अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ जर्नी विद जन्नत। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने जश्न आज़ादी के एपिसोड को बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज किया, लाइक किया और कमेंट्स किए। नाज़रीन, आजकल मुल्क के हालात का तो आप सबको पता है कि अफसोस के साथ बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हो रहा है। चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही हैं, बिल्स की बात करें और इन्फ्लेशन फैक्टर्स, ये सब बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। तो ऐसे मौके पर मैंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे लोगों को इनवाइट करें जो बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड कम्युनिटीज़ के लिए काम करते हैं, हु आर द चेंज एजेंट्स, जो कि सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं और बहुत सारे सोशल इशूज़ के ऊपर आवाज़ उठाते हैं और चैलेंज करते हैं चीज़ों को। तो आज के जो गेस्ट हैं वो एक यूथ लीडर हैं, हिस्टोरियन हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, एकेडेमिया में बहुत ज़्यादा नाम है। इसके अलावा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया बहुत सारी पब्लिकेशंस में भी। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, हकूके हल्क, जो कि एक पार्टी है लेबर्स, इंसानों के लिए जो कम्युनिस्ट हैं स्पेशली उनके लिए, तो उसके फाउंडर भी हैं। तो आइए लेट नहीं करते, वेलकम करते हैं हमारे आज के गेस्ट को, जिनका नाम है अमार अली जान। वेलकम अमार इन माय शो। Glad to be here. और अब I really appreciate आजकल जिस तरह की कंडीशन चल रही है, इतनी डिज़ास्टर है और फिर आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी के मसले, तो आप तो माशाल्लाह इतनी, जिस तरह आपका इंट्रोडक्शन करवाया लेबर्स और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ काम करना, तो आई थिंक इट्स रियली गुड कि हम बैठें और इस बारे में बात भी करें और अपने लोगों को भी बताएं कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या है। Absolutely. तो good आपके साथ आज बहुत सारी बातें होने वाली हैं। मैं रेडी हूं। आर यू रेडी ना? हाँ जी। तो उसके लिए पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट सेगमेंट से, जिसका नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो आप कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपको, आपके अंदर वो स्टिल वो मोटिवेशन, वो एंथुसिएज्म और वो सारा एक काम करने के लिए जज्बा और नॉन स्टॉपेबल जो एक फैक्टर है, वो क्या है जो आपको कैरी ऑन करने के लिए मोटिवेट करता है? जुनैद, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। बहुत आपने अपॉर्चुनिटी दी है और अपने बारे में बात करने का तो वैसे मौका मिलता नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादातर इश्यूज़ उठा रहे होते हैं लोगों के, और हम जनरली, ज़ाहिर है अपनी मैं अगर बात करूँ तो प्रिविलेज हैं, तो बहुत ज़्यादा अपने बारे में बोलना उस तरह भी अच्छा नहीं लगता। जब मैंने छोड़ी है यूनिवर्सिटी जो FC, उसमें तो मुझे डायरेक्ट एक कर्नल साहब की तरफ से मैसेज आया कि आप बहुत पॉपुलर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमें कोई मसला नहीं है, सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि आप पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते हैं अपनी क्लासेस में। और मैंने कहा ठीक है, पॉलिटिक्स में बात नहीं करूँगा, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर। हाँ, तो सब्जेक्ट भी तो वही तो है, और उस बारे में बात बात नहीं करूँ, ठीक है? कहना था होम इकोनॉमिक्स का लेक्चर, वही ना, मतलब मैंने कहा आप फिर आके कोई मुझे बता दें कि जी पॉलिटिक्स पे बात किए बगैर पॉलिटिकल साइंस कैसे पढ़ाते हैं, ताकि ये एक अजूबा होगा और इस पे तो नोबेल प्राइज मुझे मिलेगा। तो ये था, बाकी जो मुश्किलात आती हैं उसमें ये होता है कि जो हमारी पूरी रवायत है उसमें लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, लोग बार बार, हमें तारीख ये बताती है कि बार बार आप फाइट बैक करते हो, बार बार आप गिरते हो, बार बार आप फाइट बैक करते हो, कभी भी इंसान की एंजाइटी डिप्रेशन ख़त्म नहीं होती जब वो स्ट्रगल में होता है, और इवेंचुअली आप लड़े हो माजी में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनके मिशन को भी आगे बढ़ाने के लिए, और जिन्होंने आना है उनके लिए भी, ये आप पे बोझ है। करंट सिचुएशन को भी आप देखते हो ना, फिर उसके लिहाज से आपको लगता है कि अब मुझे, मेरा क्या रोल है, पहले से तो इतनी कुर्बानियाँ दिया, उसको भी सस्टेन करना है, उनका एक जो जर्नी स्टार्ट हुआ। और दूसरा, अच्छा मुझे तो आपको क्या फैक्टर था जो मोटिवेट करता था, अगर आप एक वर्ड में कहें, एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आपके अंदर कोई पैशन था, या आपको लगता था जो मैंने सीखा है वो मुझे इम्प्लीमेंट करना है? बट छोटी सी, जब मैं मिसाल के तौर पर एक अमेरिका में अंडरग्रेड में था, तो मुझे याद है कि हमारे दोस्त होते थे बड़े, उस वक्त बुश का ज़माना था और रेसिज्म काफ़ी ज़्यादा, अभी भी अमेरिका में अब तो और बढ़ गया, तो बड़ा खौफ था ख़ासतौर पे मुसलमानों के लिए, और मैं उस वक्त 18-19 साल का था, और अगर किसी के साथ ज़्यादती हो रही है तो हमने उसके ऊपर आवाज़ उठानी, और मुसलसल उठाते रहे। एक थे प्रोफेसर मान लूनी, जिनको शहीद किया गया बलूचिस्तान में, और एक साहिवाल में आपको याद है एक CTD का वाकया हुआ था एक फैमिली को, उनके ऊपर हमने एक शहरी तहफ़ मार्च का ऐलान किया था, और मुझे याद है 3:30-4 बजे सुबह के बेल बजी, मेरी वाइफ ने मुझे उठाया और उनका कि जी कोई आया, मैंने कहा इंटरकॉम से पता करें, तो उनका वो कह रहे हैं पुलिस है, ठीक है? अब 4 बजे हुए थे,
और काफ़ी अफरा तफरी ज़ाहिर है, हमारे हम भी सोच रहे हैं सरेंडर करें ना करें। फिर हमने कैमरे में देखा कि वो बाहर नहीं थे, वो अंदर आए हुए थे और गन लेके खड़े थे। अब मुझे लगा अगर ये तोड़ के आएंगे दरवाज़ा तो ज़्यादा मसला होगा, इससे बेहतर है आप इस वक्त सरेंडर करो। पुलिस स्टेशन पे मुझे ले आए, वहाँ पे फिर एक एक करके लोग आने लग गए जो ऑफिसर थे जूनियर। पूरा आपका ये पूरा प्रोसेस इतना लंबा चला यार, 12-14 घंटे का था। तो वो आ गए, अब मैं वेट कर रहा था कि मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है, तो एक बंदा आ गया कि जी आप कैम्ब्रिज से हैं तो मुझे बताएं कि अगर मैंने मास्टर्स के लिए क्रिमिनोलॉजी में जाना हो। कोई आ गया जी अगर मुझे इंग्लैंड जाना हो सोशियोलॉजी में कुछ करना हो, मुझे हिस्ट्री में। अगर आपने करियर काउंसलिंग करवानी थी तो आप ऐसे मेरे पास ले आते, आपको रेड करके तो लाने की जरूरत। वो बैरूनी है, इसका मतलब है आपकी सोच ये है कि कुछ भी अच्छा हो तो वो पाकिस्तान का हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। यहाँ सोच ही नहीं सकते, क्योंकि जो इंसान जैसा खुद फील करता है ना वो दूसरों को भी उसी एंगल से देखता है ना, उसकी सोच जो है ना वो जाहिर होती है लोगों को ऑब्जर्व करने में, लोगों को एग्जामिन करने में, और उसकी जजमेंटल जो होते हैं और सोच के बेसिस पे करते हैं। तो ये नाज़रीन देख लें कितनी टफ स्टोरी है, और इट्स अ बिग मोटिवेशन एंड स्टिल सिटिंग हेयर, जिनको कहा गया कि आप पाकिस्तान छोड़ दें, तो अभी तक जर्नी चल रहा है। तो इसके साथ ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट ख़त्म होता है, जो कि हमने काफ़ी लंबी बात भी कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ब्रेक द स्टीरियोटाइप। तो अमान, इतनी सारे काम हैं अब हकूक़ हल्क के भी, जैसा मैंने बताया ऑडियंस को कि आप फाउंडर हैं, आपने ये क्या, मैं ये चाहती हूँ कि आप जो अपना स्टीरियोटाइप मेंशन करें सेगमेंट में, वो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, ये पार्टी, ये जो वट एवर जो आपका एक मोटो था, इसको लेके इसका पर्पस क्या था, क्या स्टीरियोटाइप ब्रेक करना, वो स्टीरियोटाइप मैं चाहती हूँ आज आप लिखें, और फिर हमारे ऑडियंस को भी बताएं कि आप इसके थ्रू क्या ब्रेक करना चाहते थे, यू नो। जो बुनिया पहले लिखूं या पहले आप लिखें और फिर हम जब दिखाएंगे जो चीज़ ख़त्म होनी चाहिए उसका नाम लिखना है और उसको फिर हम ब्रेक करेंगे सोच के बारे में या सोच या जो भी। ठीक है, और ये अब आप कैमरा में दिख। तो नाज़रीन और हाज़रीन, आप ये समझते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि चेंज इज़ रिलक्टेंट, तो ऐसा नहीं है। जब तक अगर हम में जज्बा हो, सोच हो, डेडिकेशन हो, हम डिटर्मेंट हो, तो वी कैन चेंज, वी कैन ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज। बिल्कुल। और अब मैं हमेशा ये कहती हूँ, जब मैं पढ़ा रही थी अपने स्टूडेंट्स को, मैं कह रही थी सिर्फ हमें चेंज ही नहीं चाहिए, पॉजिटिव चेंज चाहिए, क्योंकि कुछ मतलब एजेंडा तब्दीली चाहिए, तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन वाकई जब तब्दीली तो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर आई तो पता चला कि उन्होंने गलत नहीं कहा था, तब्दीली तो आ गई। ये जो है ना, हर सिस्टम, हर ज़माने के अंदर सिस्टम अपने आप को जस्टिफाई ये कह के करता है कि हम कुदरती हैं, हम नेचुरल हैं, ये नेचुरल तरीका है दुनिया को चलाने का, ठीक है ना। हालांकि अगर आप तारीफ दान भी हूँ मैं, तो वो हर 100 साल 50 साल बाद ये कुदरती चीज़ आपको लगेगा, पता चलेगा डिफरेंट थी। 100 साल पहले किसी भी औरत का मेडिकल फील्ड में आना बरसगीर में अलाउड नहीं था, आज ज़्यादा डॉक्टर्स फीमेल हो चुकी हैं, ठीक है। उस वक्त था अननेचुरल है, कर ही नहीं सकती औरत मेडिसिन, तो सर्जरी नहीं कर सकती ये वो। तो अब आप जिस तरह स्टीरियोटाइप्स ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसजेंडर लोग कर रहे हैं, और हर हर सबके से, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से लोग चेंज कर रहे हैं, प्रूव उससे ये होता है कि ये सिर्फ पावरफुल लोग अपने आप को पावर में रखने के लिए, अपने प्रिविलेजेस बरकरार रखने के लिए बात करते हैं कि जी कुछ नहीं बदलेगा, और अवाम में मायूसी फैलाओ, कुछ नहीं बदल सकता, कोई फ़ायदा नहीं है लड़ने का। लेकिन तारीख बताती है कि जब लोग ठान लेते हैं, वो जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार करते हैं, तो फिर बड़े बड़े पहाड़ जो है रुई की तरह। फर्स्ट फीमेल वो जो आर्मी में गई, फर्स्ट कैप्टन बनी, फर्स्ट ट्रांसजेंडर फलानी, जिस तरह मुझे खुद बहुत सारे फर्स्ट का मिला है। लेकिन हमारी कम्युनिटी अगर हंसती भी बहुत ज़्यादा है, जब आता है ना फर्स्ट ट्रांस फलाना, फर्स्ट ट्रांस, ये तो अक्सर हंसती भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन देखें, जो फर्स्ट होता है उसकी जर्नी को भी एक्नॉलेज करना चाहिए ना। तो आपने ये ठीक कहा है, जो लोग ठान लेते हैं और वही लोग हैं जो ये चेंज करते हैं इमेज के, कुछ तब्दीली नहीं हो सकती, ये वही लोग हैं जिनके अंदर एक काम करने का जज्बा और नीयत होती है। ये बड़ा अच्छा मैसेज है, और इसलिए आपने ये चेंज लाने के लिए अपनी पार्टी स्टार्ट। बिल्कुल, मायूसी गुनाह है, कुफर है,
और मायूसी को तोड़ के लोगों को बताना कि पूरी तारीख में इससे भी बुरे हालात में लोगों ने मुतबादल बनाए हैं, तो अभी भी मुतबादल मुमकिन है और नामुमकिन को मुमकिन करना ही इनकलाबी जदोजहद का मेन फरीजा। ज़बरदस्त, यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा ब्रेक द स्टीरियोटाइप। तो अमार, बहुत ज़्यादा हमने बातें की, स्टीरियोटाइप से ब्रेक किए, मैं चाहती हूँ अमार की ज़रा सॉफ्ट साइड भी नज़र आए, थोड़ा सा फ़न भी हो, गपशप भी हो, लेकिन इसके लिए दो सेगमेंट्स हैं। फर्स्ट सेगमेंट है फ़न टाइम। तो अमार, आपके सामने ये फ़न बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स वाले कार्ड्स हैं, आपने कार्ड पिक करना है और फिर आपने मुझे बताना है कि आपका कौन सा सेगमेंट का क्या नाम है। एक सेकेंड जी, ये कर लेते हैं, कमेंट प्लीज। ठीक है, तो अमार के सेगमेंट का नाम है कमेंट प्लीज। अब कमेंट प्लीज के बारे में आपको बता दूं, अच्छा, जो आजकल बड़े स्ट्रीमलाइन पर हैं, ऐसी पर्सनालिटीज जिनकी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी डिस्कशंस होती है और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी उनके बारे में, आपको पता है, ट्रोलिंग भी होती है उनके बारे में, कमेंट्स भी होते हैं, तो मैं आपको मतलब वन बाय वन डिफरेंट नाम बताऊंगी और फिर आपने उनके लिए या तो कोई कमेंट, या इट कुड बी पोइट्री, इट कुड बी एनी कोटेशन, या कोई भी सजेशन या एडवाइस जो भी आपके माइंड में है आपने उनको डेडिकेट करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो नंबर वन से स्टार्ट करते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी। नॉट अ टेक्नोक्रेट बट नॉट अ पॉपुलर लीडर। ओके, वेरी स्मार्ट। मरियम नवाज को क्या कहना चाहेंगे? इंक्रीजिंगली इररेलेवेंट, क्योंकि एक ज़माने में ना उनका बड़ा ज़ोर था और वो पिछले जो 6-7 महीनों में उनका मुंह बंदी की गई है, ताले लगाए गए हैं, तो आप देखें अब तो कुछ, एक ज़माने में तो बड़ा वो निकल रही थी, आ रही थी सड़कों पे, तो अब तो बिल्कुल एकदम से चेंज आया ना, है ना? बिल्कुल चुप कराया गया, चेंज आगे होता है तो यहाँ पर लाया जाता है। बिल्कुल। और मरियम औरंगज़ेब के बारे में क्या ख्याल है? मरियम औरंगज़ेब गुड इन ऑपोजिशन, पुअर व्हेन इन गवर्नमेंट। उनका जो स्ट्रेटजी रही है इन्फॉर्मेशन की सिंस बिकमिंग द मिनिस्टर, वो तो उनका कोई नैरेटिव बन ही नहीं सका। बट आपने अप्रिशिएट भी किया है ना, ऑपोजिशन में तो वो बहुत डाडी थी, तगड़ी थी, बोलती थी बड़ा खुल के, तो उस वक्त तो ठीक था, अब मामला बहुत ख़राब हो गए। और नंबर थ्री पे हैं मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना साहब जो हैं, उनका एक तो आई थिंक आज के लिए तो डीजल बड़ा महंगा हुआ है, वैसे मेरे जहन में बार बार डीजल आ रहा है। और उनके साथ आई थिंक ही इज़ एन एस्ट्यूट पॉलिटिशियन बट हिपोक्रेट ऑन रिलीजन। हलीलुर रहमान का मैं obnoxious, extremely obnoxious, I think जो हमारे यहाँ मर्दों को जो लीडर, I think he's a leader of the मर्द मार्च मूवमेंट, तो उसने आप कभी मिले आपसे वन टू वन? मैं उनको एक बार देखा था और क्या दिल किया था जब जो मेरा दिल कर रहा था ना, मेरे साथ वो लड़का था हसनैन हमारा, मेरा स्टूडेंट ही है वो, उसने मेरे दिल की बात निकाल दी थी, उसने गाली गलौज शुरू कर दिया था, मैंने रोका था लेकिन वो आई थिंक ही इज आई मीन हो सकता है इम्प्रूव हो गया, मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जिस तरह उन्होंने एक दफ़ा मेरी बहन साथ भी एक शो में बदतमीजी की और जनरल जो उनका एक डिमीनियर है कि मैं आपको बताता हूँ औरतों के बारे में, मैं बताता हूँ, यानी जैसे उनको पूरा मतलब जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल पत्थर पे रहते हैं, वो आपसे ज़्यादा आपके बारे में जानते हैं, बिल्कुल ये एक उनको प्रॉब्लम, एक वो इवल जीनियस टाइप के होते हैं ना, बनते हैं लोग। अच्छा, नंबर फाइव पे बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है मतीरा। मतीरा इज़ वेरी बोल्ड। मेरी सिंपथी है इस तरह की ख्वातीन के साथ, पाकिस्तान में जो जिस तरह कंदील बलोच वाला वाक्या हुआ, उसके बाद से ना जो ये एलीट से आउटसाइड हैं ये कुछ ख्वातीन जो उन्होंने सोशल मीडिया पे एकदम से नाम कमाया, उनके पास वो सोशल कैपिटल नहीं था जो लेट्स से बहुत एलीट ख्वातीन के पास होता है, मर्दों के पास होता है,
इनके बारे में क्या आता है आपका? तो इनके इनको ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनका ये बोल्ड हैं कि अभी भी डटे हुए हैं, अपनी बात कर रहे हैं, लिविंग लाइफ ऑन देयर ओन टर्म्स. मैं कुछ बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो मैं मतलब मुझे इतना मालूम है कि आप अप्रिशिएट करते हैं. आप ये कहना, हाँ, मुराद सईद के बारे में क्या? आजकल बड़ी वो आँखों वाले इस तरह के इमेजेस आ रहे हैं उनके, जैसे जैसे रेडिएटर्स ऑन. तो उसके बाद तो मुझे लगा ही इज एन एलियन और वो वो कोई नॉर्मल इंसान इस तरह मैंने कभी किसी को नहीं करते देखा. मैंने बड़े टॉप टॉप वो कुछ चार जगह पे कॉन्स्टेंटली मैंने तो देखा. हाँ, बॉडी गार्ड्स भी हमने देखे हैं जो बड़े विजिलेंट होते हैं, ये नहीं करते किसी को देखा. आई थिंक ही इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पैशनेट पर्सन हुज यूजिंग हिज पैशन टू अ रोड टू नोवेयर. मतलब वो जो पैशन है ना, वो बिल्कुल उस गली में जा रहा है जिसका कोई कुछ पता नहीं. आपको याद है उन्होंने कहा था कि जी हम, उन्होंने दिया था कि खान आते साथ ही 200 अरब डॉलर ले आएगा. ठीक. तो वो इस तरह के 100 अरब मुंह पे मारेगा IMF की और बाकी 100 अरब से पाकिस्तान को तरक्की. तो वो एलियन जो है ना, हवाई फायर वाले ना, हवाई खलाई मखलूक टाइप उनका वो मामला. तो ये अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे फ्रेंड का नाम आया महरब मोइज. महरब से उनके साथ तो आई मीन सॉलिडारिटी विद हर, बिकॉज उन्होंने अभी पिछले दिनों जो उनके साथ हुआ है, आई थिंक वॉज वेरी, शी इज़ अ ब्रेव पर्सन एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी आर्टिकुलेट. मुझे उनका ये एक अच्छी बात लगती है कि वो बहुत सारे मौजूआत के ऊपर बहुत अच्छी गुफ्तगू कर सकती है. वो मेडिसिन पे कमांड है कन्वर्सेशन, बिकॉज ऑफ यू नो एजुकेशन और फिर आपका जो रियलिटी बेस्ड एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों, उसके साथ एक प्रॉपर वे में बात करना हर किसी के लिए किसी के बस का काम. तो मैंने तो उनके सॉलिडारिटी में वो उस इवेंट पे टेडएक्स पे मुझे भी बुलाया हुआ था. हाँ, आपने उससे स्टेप बैक, मैंने बॉयकॉट किया और उसकी वजह यही थी कि अगर आप किसी के साथ इस तरह की ज्यादती करोगे तो हमारा, क्योंकि काम ही ज्यादती के खिलाफ बोलना है, तो वो तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा. और मैं भी ये बताना चाहती हूँ कि मुझे भी फ़ौरन उसके एक दिन के बाद ऑफ़र आई और मैंने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया. हाँ, और फिर मैंने कहा कि देखें, बात करना बहुत ज़रूरी है अपने कम्युनिटी मेंबर से, वो किस तरह की इमोशंस के साथ गुजर रहा है और उसके क्या मेंटल हेल्थ है, और उसके इमेज को जब एक डिफेमेशन होती है. तो मैं भी इस तरह की सिचुएशन से गुजरी हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे उस टाइम किसी ने पूछा नहीं था. लेकिन मैंने कहा कि ये मैं रिपीट ना करूँ मिस्टेक, तो लेट्स ट्राई. और फिर मैंने पूछा और फिर मैंने उसको बायकॉट. नहीं, आई एम श्योर ये आई थिंक कम्युनिटी के अंदर और कम्युनिटी से बाहर भी सबको सॉलिडैरिटी अगर आप नहीं दिखाओगे तो आप किसी और के साथ ज्यादती नहीं कर रहे, आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि कल को आपको भी सॉलिडैरिटी की जरूरत पड़ेगी. ये बुनियादी असूल. दिस इज ट्रू. और फिर आप मारिया बी को क्या एडवाइस करना चाहते हैं इसके बाद ये सारा? मारिया बी को दो है कि एक तो शट अप एंड दूसरा ये है कि रीड अ लिटल. कुछ पढ़ लें, कुछ सीख लें, क्योंकि जहालत की जो वैक्सीन है वो किताब ही है. किताबें पढ़ें, अखबार पढ़ें. हाँ, तो उन्होंने कई दफ़ा इस तरह की बातें की हैं और वो पहले जहर हमें किताबें भी पढ़ लें तो मेरे ख्याल से शऊर वाली जो वैक्सीन है ना, कुछ पढ़े लिखे भी तो जाहिल होते हैं. नहीं, हम कुछ कर देंगे इनको ना, कोई रेकमेंड कर देंगे अच्छी वैक्सीन, कोई 5-7 किताबें पढ़ें. ये जैद हामिद के ज़माने से लगी हुई हैं और कोई 10-12 साल हो गए, इन्होंने कभी भी कोई इंटेलिजेंट बात नहीं की. और शी इज़ नीडलेसली मीन, नीडलेसली हर्टफुल. तो शी शुड जस्ट शट अप एंड रीड, आई थिंक. और इतने आराम से कैसे कह सकते हैं किसी की आइडेंटिटी, ना आप उसके जिस्म में रहे, ना दिमाग में, ना आपने वो फील किया, और जस्ट यू नो इट्स अ स्टंट और आई डोंट नो. लास्ट उनसे हैं परवेज़ इलाही. परवेज़ इलाही जो हैं वो एक तो खान साहब ने तो उन्हें डाकू कहा था. मैं कहूँगा कि वो कुछ लोगों ने लोटा कहते हैं, मैं कहूँगा कि टिपिकल पाकिस्तानी पॉलिटिशियन. कि वो हर साइड पे खेल सकते हैं और किसी के साथ भी नहीं है. ये उनकी खासियत. और वो देखें, उन्होंने खान साहब के भी लड़े भी, उनके साथ भी गवर्नमेंट में रहे. पीपल्स पार्टी बीबी शहीद ने उनके उनके साथ उन्होंने कैसे बताया, उनको नॉमिनेट किया था एज वन ऑफ द पीपल जो शायद मुझे कत्ल करवाने की कोशिश करें. बाद में वो पीपल्स पार्टी ही दौर में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रहे उसके बाद. ठीक है. तो
और अब वो स्पीकर रहे इमरान खान के, जो उन्हें डाकू कहते थे, अब उनके वजीर आला बन गए हैं। इससे पहले जरदारी के वजीर आला बनने वाले थे नून लीग के, अभी आपको पता जब वो सारे चेंज आ रहा था, तो वो ही कैन प्ले ऑल साइड्स एंड नॉट बी विद एनीवन। वो अपने उन्होंने जो उनके साले हैं उनके साथ नहीं, उनकी बनी हुई है चौधरी शजात से टूट गई। सो ही इज अ वेरी टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी पॉलिटिशियन। चलें, गुड, वेरी स्मार्ट आंसर्स, और ये तो बड़े विजिलेंट थे बिल्कुल, और इतनी ज़्यादा डाइवर्स आंसर्स, माशाल्लाह, मज़ा आया फर्स्ट टाइम में, मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इसके साथ अब चाय पीते हैं चास के टाइम में और फिर गॉसिप्स करते हैं। वेलकम टू द चास के टाइम। चास की मतलब हमारी कम्युनिटी में चाय को कहते हैं, तो अब लोग अक्सर, मैं चेयर्स भी कर लेती हूँ, हम कोई ड्रिंक पीते हुए चेयर्स कर सकते हैं, जरूरी तो नहीं है चेयर्स को एक ही चीज के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ना ही करें क्योंकि कुछ स्कैंडल ना बन जाए, स्कैंडल ना बन जाए, तो इसलिए इसलिए बहुत डर रहे थे, इन्होंने दूर ही रखा ऐसे हाथ कह रहे थे ना बताया मारजान की कप में क्या था जो उन्होंने चेयर्स का, इस तरह की हेडलाइन आ जाए। पहली बड़े बदनाम है, और नहीं करना। अच्छा, अब चास के टाइम में फिर आपने सही सही गॉसिप्स कर दिए, सही सही बात, कोशिश कर सकते, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, कोई ऐसे पॉलिटिशियन बताएं जिससे आपको बहुत ज़्यादा चिढ़ है, सबसे टॉप पे जो है आजकल वो जो है आजकल सबसे टॉप पे, इनसे इमरान खान की जो आजकल पॉलिटिक्स हो रही है सलाब के दौरान, उस पर मुझे बड़ा शदीद एतराज़ है। हाँ, कि आई थिंक ये ऐसा नहीं होना, बाकी पे भी मुझे बहुत शदीद है कि उन्होंने पीडीएम की गवर्नमेंट ने भी कभी वो शहबाज़ गिल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, जबकि इस वक्त सबका फोकस होना चाहिए था कि सलाब जदगान की मदद करें। लेकिन खान साहब अपनी दुनिया में है कि वो उनकी केपी में गवर्नमेंट भी है और वो हरिपुर में जलसे कर रहे हैं। अभी उन्होंने अपील एक कर दी है, मैं देख रहा था, फंड्स की पीटीआई के लिए, इलेक्शंस के लिए। तो देखे ना, ये चीज़ें हैं, कसम से आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अभी जब ड्राइव कर रही थी और सबसे आपके वाली सेम बात मैं सोचती, मेरे दिमाग में हालांकि म्यूजिक भी लगा हुआ था लेकिन वो अपना माइंड में ज़रा चेंज कर थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दो तीन दिन से बहुत डिप्रेशन में हूँ ये सारी वीडियोज़ देख के, और मुझे अभी तक, मैं भी इनकी तरह लेक्चरार हूँ, वही लेक्चरार जिसको बहुत कम सैलरी मिलती है और बहुत देर बाद मिलती है, तो मैं सोच रही थी जब मेरी सैलरी मिलेगी तो मैं सारी डोनेट करूँगी इस पर्पज़ के लिए कि उनकी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हेल्प हो सके लोगों की, उन तक पहुँच सके। लेकिन पॉलिटिशियंस को भी सोचना चाहिए ना, इनको देखें, मैंने तो पिछले दिन अभी परसों तरसों लिखा भी था कि पॉलिटिशियंस, आपके एमएनएस, एमपीएस, सेनेटर्स, जनरल्स, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, उनको कम से कम एक महीने की अपनी तनख्वाह दे देनी चाहिए। ये उल्टा जलसे कर रहे हैं, अब कह रहे हैं इलेक्शन जल्दी, अब तो 3 करोड़ से ज्यादा लोग सड़कों पे आ गए, अब क्या इलेक्शन होने हैं, क्या नहीं होने। आपको लगता है जो इन्फ्लेशन है ये दोबारा से इतनी जल्दी रिकवर होगा, घर बनेंगे, ये बहुत ज्यादा डिजास्टर जो उनसे ना बड़ा स्वेर किस्म का है, और आई थिंक इसमें लीडर्स कोई जो पैसा जलसों में लगा रहे हैं, उनको उधर करना चाहिए, सारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए लोगों की हेल्प करने में। बिल्कुल सही, तो ये मुझे आजकल चिढ़ है खान साहब से और बाकी पॉलिटिशियन से। तो सबसे वैसे फनीएस्ट पॉलिटिशियन कौन लगता है जिसके बयान आते तो आप बड़ा ही हंसते हैं, आप कहते हैं यार ये क्या बंदा है, हंसी भी आती है बहुत ज्यादा। एक तो मुझे लगता है शेख रशीद साहब, आई थिंक उनकी जो प्रोडक्शन एंटरटेनिंग भी है ना, वो इंटरटेनमेंट है, वो 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 और मेरे शो का भी है ना टाइटल इंटरटेनमेंट। हाँ बिल्कुल, चलो वो है प्रॉपर इंटरटेनमेंट जो आपकी, वो और जो आपके फवाद चौधरी साहब, उनका मकसद ही ये है कि उन्होंने ऐसी बातें करनी हैं जिसके अंदर सनसनी खेजी हो, मसाला हो लेकिन उसमें कंटेंट सिफर हो। मैं आपको बता रहा हूँ परसों क्या होने लगा है, मैं बता रहा हूँ अब ऐसे होगा, ये पकड़ा जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो वो एक उनका बेतुकी बात है, वो है प्रेडिक्शन, और हर प्रेडिक्शन गलत होती है फिर भी अगली बात है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये अगले हफ्ते सब क्लियर हो जाएंगी बातें, ये खत्म हो रही है हुकूमत, भाई थोड़ा एक बंदा रिफ्लेक्ट ही कर लेता है अगर इतनी बार आप गलत हुए हो तो, चलो इस बार मैं अगली दफ़ा इंप्रूव कर। लेकिन वो उसी कॉन्फिडेंस से माशाल्लाह करते हैं। और एक और मेरी फेवरेट है सरताज गुल, जिनको क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री की थी, और उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है कि इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो देखें बारिशें ज़्यादा हो गई, तो अल्लाह ताला की रहमत है, अगर अच्छा लीडर आता है तो बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये क्लाइमेट चेंज का
इतना उन्हें पता था, अच्छा। वैसे आपकी आप न्यूज़ देखते हैं शाम को जब बैठते हैं टीवी में, वो जो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स आते हैं डिस्कशन? मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे जो आ जाती हैं वो देखता हूँ, कुछ दो तीन हैं जो मैं रेगुलर देखता हूँ। आपकी फेवरेट एंकर या फेवरेट मेल या फीमेल? वो तो ईजिली शाज़ेब खान ज़्यादा, हैं। मुझे लगता है कि यार वो अकेले इतना डिमोलिश कर देते हैं कोई भी बयानिए को, और बहुत प्रिपेयर्ड आते हैं बहुत ज़्यादा। ये एक बड़ी बात है हमारे यहाँ, मीडिया इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है ना कि आपने लाखों लोग आपको सुन रहे हैं चैनल पे जिस पे सबकी आंखें हों, बिल्कुल उस पे आप अगर लोग को इन्फॉर्म्ड बात नहीं, गलती हर कोई कर सकता है लेकिन एक मेहनत तो कम से कम लगे है ना। ये लोग तो सुना है अक्सर एंकर आते ही 5 मिनट लेट हैं, ठीक है, कोई रिसर्च नहीं होती, बस आपने लड़वाना है लोगों को, वो वाली चीज़ आई थिंक उससे लोग तंग आ गए। सो एंकर की अब उनकी पिछले दिनों वो भी निकल आए थे, उनके सिक्स पैक की भी चल रही थी, हाँ, तो इसका मतलब है कि वो तगड़े हैं, लड़ाके हैं, तो अच्छी बात है। तो मान हमें तो पता ही नहीं था आपने आपकी जो शादी जो सी है, मुझे तो वैसे पता ही नहीं था, बहुत हम मीटिंग्स में मिलते रहते हैं लेकिन मुझे नहीं पता था आपकी शादी। नहीं, शादी इतनी जल्दी आपने शादी कर ली थी? मुझे 10 साल हो गए हैं। कहाँ की थी? पाकिस्तान में? एक पाकिस्तान में भी इवेंट हुआ था, एक अमेरिका में इवेंट हुआ था, वो अमेरिकन है। लव मैरिज थी अरेंज? जाहिर है मेरी क्लास फेलो थी अमेरिका में, हमारा कोई हमारा कोई गोरों के साथ कोई फैमिली वाला ताल्लुक तो नहीं है, तो वो हो गया। बड़ा सवाल, आपने प्रपोज किया? जाहिर है इतना मैं कहना ही चाहूँगा, नहीं मैं कहना ही चाहूँगा कि मैं इतना कोई हूँ डिजायरेबल कि उसने किया हो कि नहीं, वो नहीं मैं तो बहुत ज़्यादा उनके पीछे था, और रिलेशनशिप का इशू नहीं था, इशू था शादी का और पाकिस्तान मूव करने का, क्योंकि वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट दुनिया है। वहाँ से आप पाकिस्तान आओ, ना उन्होंने चैलेंजेस भी कितने फेस किए, वो आई, उन्होंने उर्दू भी सीखी है और इधर रही बोल हैं, लेती हैं बिल्कुल ठीक बोलती है, हाँ, वो खुद नहीं मानती, खुद उन्होंने थोड़ी सी सीखी भी है। अच्छा, वो पहले बीच में एक उर्दू प्रोग्राम था उसके लिए लखनऊ भी गई थी सीखने। अच्छा। तो जब वो पहली दफ़ा वालदैन से मिली तो वो कहती खाना कैसा है, अम्मी ने पूछा तो उर्दू में उन्होंने जवाब दिया खाना बहुत लजीज है, तो पंजाबी घरों में लजीज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, तो हाँ। वो परेशान हो गए, उनका यार ये तो घर में अच्छा मज़े का खाना पकता है, अच्छा पकता है, लजीज तो आज तक नहीं पका था, तो हाँ हम तो मज़ेदार कह देते हैं। बहरहाल तो उन्होंने, और उन्होंने फेस किया, बड़ी हार्डशिप्स भी फेस की। अब वो बाय द वे चली गई हैं अमेरिका PhD अपना परस्यू करने पिछले महीने, तो वो अब बड़ा ज़बरदस्त PhD कर रही हैं US मिलिट्री के ऊपर, कुछ ना एक क्रिटिकल वॉर्स के ऊपर, क्योंकि पीस एक्टिविस्ट हैं बुनियादी तौर पर, हम मिले ही थे एक एंटी वॉर डेमोंस्ट्रेशन। आपकी जो जो आपका एक मतलब मैच किया था ना, म्यूचुअल चीज थी, वो पीस से रिलेटेड थे। हम इराक वॉर के खिलाफ एक मुजाहरे पे मिले थे और वहाँ से फिर वो बस फिर इंस्पायर हो गए एक दूसरे। बिल्कुल बिल्कुल गुड। अच्छा, फिर अगर वो मतलब आप पे ज़्यादा सख्ती तो नहीं करती हैं? पजेसिव तो होते हैं लेकिन इतने नहीं जितनी बनती भी है मेरे पे, मेरे जैसे बंदे के साथ रहना भी आसान भी नहीं है। नहीं, क्योंकि अगला क्वेश्चन ये है, अगर आपको कोई एक्ट्रेस के साथ डेट पे जाना हो तो आप किसके साथ जाएंगे? अगर एक्ट्रेस के साथ कौन सी एक्ट्रेस के तो साथ? अगर मुझे जाना हो तो मैं डेफिनेटली बचपन के जो मेरे प्यार हैं माधुरी और जूही चावला में, सो स्वीट, उन दोनों में से उनका मैं अभी अभी पिछले दिन उनका आया है, आपको पता है सीजन भी एक आया है शो, तो वो मैंने देखा वो। अच्छा, ये आपने डिस्क्रिमिनेट कर दिया, ऐसे मुल्क की कितनी आप बातें करते हैं, बताएं पाकिस्तानियों में से किसी पे नहीं दिल आया आपका, ये तो जुल्म हो गया। पाकिस्तानियों में कर सकते हैं बहुत वो थी जब हम बड़े होते, मिशी खान, ठीक है, हमें बहुत पसंद थी। अच्छा। बुशरा अंसारी, अभी आजकल के बताएं ना आप किसके साथ आजकल? अब आप बुशरा अंसारी के साथ इस टाइम पे तो नहीं डेट पे जाएंगे, आप कहेंगे यार मैं खुल के बात नहीं कर सकूंगा, आप कैसे यहाँ बैठे जैसे अब वालों में अच्छा अब वालों में मैं असल में बहुत ज़्यादा को जानता नहीं हूँ। इंडिया में जो मुझे पसंद हैं अभी वालों में, यानी हमारी एज ग्रुप में, वो दीपिका, ठीक है, और दीपिका एक तो एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं, दूसरी वो इंसान बहुत अच्छी हैं। वो आपको पता है कि JNU में एक मसला बना था, ये मोदी के
गुंडों ने मारा था एक फीमेल स्टूडेंट को, उसके प्रोटेस्ट के ऊपर दीपिका आ गई. हालांकि कोई इंडस्ट्री में किसी खानों की जरूरत नहीं है कि वो बोल सके. तो एक खातून, एक यंग जिसका इंडस्ट्री में कोई फैमिली भी नहीं है, आपको ब्रेव लोग बहुत पसंद हैं, मुझे तगड़े लोग पसंद हैं, तो वो आ गई. सो अभी भी आपने इंडिया की वैसे चूज कर लिया. ये वैसे इधर मैं जानता कोई भी ऐसे पर्सनैलिटी नहीं है एक्ट्रेसेस में. मायरा खान को मैं जानता हूँ. मायरा के साथ चले आप चले जाए. हाँ मायरा है मेरी, बस मायरा हैं और दो तीन हैं जिनके मुझे नाम अब याद नहीं. सबा कमर भी हैं. सबा कमर हैं बहुत अच्छी. सबा कमर एक्चुअली बहुत सबा कमर बहुत अच्छी हैं. फिल्म में भी देखा ना. बिल्कुल 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 सबा बहुत अच्छी हैं. और देखे मैंने हेल्प कर दिया इनकी. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा कि आपने याद करा. आप कुछ लोग समझते हैं अपने बालों को कर्ल्स डलवाए हैं या आपके बचपन के रोज रोज मैंने कर्ल्स कराए. नहीं नहीं नहीं, तो इतना मैं अपना ख्याल आपको लग रहा है इतना नहीं. तो अगर आपको ऑप्शन मिले हेयर स्ट्रेट करवाने के, आप करवा लेंगे? मैंने जिंदगी में एक दफा किसी के कहने पे स्ट्रेट कराए थे. उससे आयरन स्ट्रेटनिंग होती है. ये आपकी जो दोस्त है मेरी बहन नायाब, उसने किए थे. और उसके बाद शुक्र अल्लाह का मैंने कभी फिर नहीं कराया, क्योंकि वो एक ऐसा डिजास्टर था. नहीं आपके साथ आपकी कैसी है औरत मार्च में आप उनके साथ जाते हैं जब? नायाब तो ज़ाहिर बहन भी है और वो लीडर भी है, फ्रेंड भी है, बहुत मेरी बेस्ट फ्रेंड में से है. बेस्ट फ्रेंड है वो और मेरा भाई भी जो है बड़ा. तो नायाब आई थिंक बहुत आगे जाएगी इंशाल्लाह अपने उसमें सारे काम में. और अब तो उसने पार्टी ज्वाइन कर ली है. देखिए इससे आप अंदाज़ा लगा लें मुझे कितना सीरियस लेती है कि हमारी पार्टी ज्वाइन नहीं की, पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली थी. तो ये ऑनेस्टी है ना जो दिल मान रहा है. हाँ तो ये है कि अब हमारा बहनों पर आपको जोर नहीं चलता, वरना पुराना ज़माना होता तो हम अपनी पार्टी में लेकर आते हैं. अच्छा मेरी बात सुने, तो कभी आपके मोहल्ले में ऐसा हुआ कि आपकी शिकायत आई हो, किसी लड़की ने आपकी कंप्लेन की हो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या मोहल्ले में? नहीं, मेरी जिंदगी में ना एक इंसिडेंट था जिसमें हम एक जगह खाने पे थे, 9th-10th की बात है, और हमारे साथ एक दो लड़कों ने बदतमीजी की थी किसी लड़की, मतलब बदतमीजी क्या उस जमाने में नंबर फेंक देते थे, ये वाला होता था ना, आपको याद है? तो मैं उन लड़कों से लड़ पड़ा. और मैं याद है जब वो गार्ड्स आए तो लड़कियों ने कहा कि इन चार ने किया था, इन दो ने कुछ नहीं किया. उन दो में मैं और मेरा एक और दोस्त थी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि हम उनसे लड़ रहे थे कि यार क्या वो लड़कियां बैठी नहीं हैं, उनको क्या. तो ये वाला मामला कभी नहीं हुआ. वैसे टीचर्स की तरफ से और इस तरह के मामला तो आपको पता है पाकिस्तान में तो स्कूल्स में सियासत भी, प्राइवेट स्कूलों में जो सियासत होती है उसमें, उसके भी ज़्यादा में हम बार बार आते हैं. एक लास्ट क्वेश्चन रह गया मेरा, और मुझे बताएं कि आपकी बेस्ट प्लेस कौन सी दुनिया में? ट्रैवल वगैरह काफ़ी आप मुझे यूएस में टेक्सास, क्योंकि मैं अंडरग्रेड वहाँ से टेक्सास से किया था. ऑस्टिन. ऑस्टिन यूटी से? यूटी से. आई हैव बीन परफॉर्मिंग देयर. अच्छा तो आप तो कामरान साहब को कामरान साहब को भी जानते हैं ना? प्रोफेसर साहब कामरान साहब मेरे, कामरान अज़ली मेरे मेंटोर हैं. अच्छा हमारा जो ऑफिशिएंट थे जिन्होंने हमारा निकाह पढ़वाया था अमेरिका में, वो भी कामरान साहब थे. तो वो प्रोफेसर ही थे. कि कितना दुनिया कितनी छोटी है ना. तो मुझे बड़ा पसंद है ऑस्टिन, बहुत पसंद है. ऑस्टिन में एक लैदर वाइब थी, वो जो यूटी को रास्ता जाता है वहाँ पे एक लैदर म्यूजिक है, म्यूजिक है, यंग लोग हैं, रिलैक्स्ड हैं. स्टूडेंट्स भी ज्यादा थे ना, स्टूडेंट्स भी ज्यादा हैं. तो अब मैं पिछली दफा जब गया था तो थोड़ा सा डिफरेंट था, अब हमारी एज थोड़ा इतनी हो गई है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी बहुत वहाँ पे होता है एट होम वाली फीलिंग आती है. इस तरह मुझे कैम्ब्रिज बहुत पसंद है, वहाँ पे चार साल गुजारे हैं जिंदगी के. अभी आपकी क्या विश है, जल्दी से आप बता दें आप कहाँ जाना चाहेंगे अगर आपको अभी मैं कहूँ कि अभी आपका वीज़ा लगाते हैं आपको वहाँ भेज सकते हैं? मैं जाना चाहूँगा, मैं फ्रांस में एक जगह पर रहा हूँ, टुलूस, साउथ फ्रांस में. फ्रेंच एक ज़माने में सीख रहा था, अब वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है. और जनरली सदर्न यूरोप जो है बहुत पसंद है, लेकिन अभी जो हालात हैं हमारे फाइनेंशियल तो अभी ना वीज़ा मिलेगा ना टिकट मिलेगी, तो अभी मैं आप ही के शो पे रहूँगा. मैक्सिमस यू फॉर दिस सेगमेंट. सो लेट्स मूव टू द एंड ऑफ द सेगमेंट. तो हमारा इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था सारी बातें करने का, लेकिन अब लास्ट सेगमेंट है और इसका नाम है दिल की बात.
स्वीट मैग्नोलिया और दफ्तर हाँ जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। तो इसके अलावा गो ग्रीन वेलफेयर सोसाइटी है जो कि बहुत इको एक्टिविज्म और इस चीज़ों पर काम कर रही हैं, तो हम उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वो कम्युनिटी के लिए इनिशिएटिव्स ले रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप जाने से पहले कोई ऐसी दिल की बात बताएं, जो कि हमारा सेगमेंट है, जो आपको लगता है कि अभी करंट टाइम पे लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आपके दिल में ऐसी बात है जो, या ऐसी बात भी हो सकती है जो आपने कभी बताई ना हो, और ऐसा मैसेज भी हो सकता है जो कि स्पेशली हमारी आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस वक्त तो अब और बात क्या हो सकती है मासिवाय ये कि जो हो रहा है मुल्क भर में, ख़ासतौर पे जो सैलाब का मामला है, जो 3.5 करोड़ लोग जो हैं बेघर हो चुके हैं, इसी तरह जो बिजली के बिलों की वजह से लोग तंग हैं। मेरा ख्याल बहुत ज़रूरी है कि हम इस मोमेंट के अंदर एक दूसरे का एहसास करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। हम अगर इस वक्त इनफरादी अपना सोचेंगे, सिर्फ फ़र्द के लेवल पे सोचेंगे, तो हम हर कोई तबाह हो जाएगा, इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स। हम अपने आप को बचा नहीं सकते माँ सवाए इसके कि हम इज्तमाई सोच को वापस ले करें कि अगर हम कोई मेरा दुख है तो सबका दुख है, किसी का दुख है वो मेरा दुख है। हम किसी के जनाजे पे जाएंगे तो कोई हमारे जनाजे पे भी आएगा। हमें एक दूसरे के दुखों के साथ जुड़ना है। इस वक्त तारीख के अंदर इससे ज़्यादा बुरे हालात नहीं हुए और इससे ज़्यादा मौका नहीं आया कि हम लोगों से जुड़ें, लोगों का दर्द दुख समझें और उसका मरहम करने की कोशिश करें, उसके ऊपर कोई हम उनके साथ यकजहती करने की कोशिश करें, उनके लिए फ़ंड रेजिंग करने की कोशिश करें, उनके साथ एहतजाज में खड़े होने की कोशिश करें, उनकी आवाज़ को बुलंद करने में मदद दें। ये अगर हम आज नहीं करेंगे, एक दूसरे को हम नहीं समझेंगे, तो हम अपनी जो इंसानियत है वो ही खो देंगे। यानी मेरा ख्याल इस वक्त किसी दूसरों का सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात मुझे ये लगे कि आपने कहा इज्तमाई सोच हमें जो इंडिविजुअल एज ए ना सोचें, एज ए नेशन सोचें कि कितनी ज़रूरत है। आपने कोई इस तरह की, आजकल जिस तरह आपकी पार्टी काफ़ी एक्टिव है लेबर्स और इस तरह की कम्युनिटीज़ के लिए, तो आपने कोई कैंपेन या ऐसा कुछ इनके लिए लॉन्च किया या कोई? दो कैंपेन्स हम कर रहे हैं। एक तो हम कैंपेन कर रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा टैक्स आया है बिजली के बिलों में, गरीब वो नहीं दे सकते। हमने इतनी आंटियों को, बुज़ुर्गों को रोते हुए देखा है। हम कह रहे हैं कि वो टैक्स ख़त्म किया जाए। वैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी है, लेकिन आज वैसे हो जाएगा फैसला कह रहे हैं तो वो, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि कभी भी आप अगली बार भी ना लगाएं, उसकी बार ना लगाएं, क्योंकि लोग की नहीं है हिम्मत। दूसरा, हम अभी रीगल चौक पर, मैं इंटरव्यू के बाद वहीं पर जा रहा हूँ, रीगल चौक मॉल रोड पर हम एक, हमने कैंप लगाया हुआ है सैलाब ज़दगान के लिए। हमारी एक साथी हैं डॉक्टर आलिया जो जा चुकी हैं राजनपुर मेडिकल कैंप्स लगाने के लिए, तो हम कुछ मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं, कुछ कपड़े लेकर जा रहे हैं, कुछ मेडिसिन लेकर जा रहे हैं, ताकि कोई हेल्प करना चाहिए तो कैसे कर सकता है आप ये बता। ट्विटर के ऊपर फारूक तारिक साहब ने, मैंने, हुए खल्क पार्टी के ट्विटर पे भी हमने लगाया हुआ है, जो फारूक तारिक साहब का बैंक अकाउंट है उसके अंदर हम डोनेशंस ले रहे हैं। और आप डोनेट करें, अगर रीगल चौक कोई आ सकता है माल रोड पे तो वो आए, और हम भी करेंगे बिल्कुल। और हमें नहीं करें, किसी को भी करें, मतलब जो क्रेडिबल आपको लगता है ना करें, क्योंकि ये टाइम है दूसरों के लिए कुछ करने का, दूसरों के लिए कुछ करने का। अपना कम सोचें, दूसरों का ज़्यादा सोचें, क्योंकि हमारी बका इसमें है, पूरे मुल्क की, कौम की, माशरे की और इंसानियत की बका इसमें है कि अपने से निकल के दूसरे का सोचें। बिल्कुल ठीक है। और अपनी सेहत और मेंटल हेल्थ भी तब अच्छी होती है जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये खूबसूरत मैसेज आपने दिया, इसके साथ आपको हमारे स्पॉन्सर हैं स्वीट मैग्नोलिया की तरफ से गिफ्ट है, और आई होप ये आपको अच्छे लगेंगे। ये तो बिल्कुल, इसमें से कुछ तो नायाब खाएगी चाहिए, कुछ मैं खाऊंगा। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ऑडियंस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो को अप्रिशिएट करने का, कमेंट्स करने का, और वंस अगेन अमार थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। और इंशाल्लाह मिल के सब एक हो के इस मौके पर अपने लोगों के लिए और डिज़ास्टर से जो जिन पे ये सारे असरात हुए हैं, जो मुतासिर हुए हैं, उनकी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। इस मैसेज के साथ इजाज़त दीजिए मुझे, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त जन्नत अली।